गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह 25 जून 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो आज के देख लेते हैं आज के दिन क्या नया घटना घटित हुई है हमारी इंडिया में, वर्ल्ड में, इकोनॉमी में और स्पोर्ट्स में। नई नई खबरें क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा मेन्स जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो व्यूवर्स नए हैं एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन देश में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? तो ये करेंगे नीति आयोग के द्वारा। ये नीति आयोग में भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम, जिसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम कहते हैं, ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। अब नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जैसे कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी हैं, इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य की बात करते हैं तो इनकी कैपिटल जो है वो चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं, गवर्नर हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में पुलिस विश्वास अभियान चला रही है? तो ये चला रही है पालघर जिले में। इसका उद्देश्य है जिले में आदिवासी निवासियों के साथ तालमेल बनाना। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? तो ये है भारत के निकी पुनाचा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी सूची में भारत के निकी पुनाचा टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। अगर ITF की फुल फॉर्म देखें तो ये होती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 को और इसका मुख्यालय है लंदन, जो कि UK में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं विजय खंडूजा जिम्बाब्वे के भारतीय नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। और जिम्बाब्वे जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो है जिम्बाब्वे डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति है इमरसन मांगावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किस पॉलिटिकल पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और 5 विधान पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और 5 विधान पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनमें से 5 विधान पार्षद जनता दल यूनाइटेड पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी छोड़ने वाले पार्षदों में MLC संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनीन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि पूर्णिमा जनीन किस फील्ड से मशहूर हैं? तो ये हैं पूर्व भारतीय निशानेबाज, तो ये आप याद रखेंगे। इनका 42 ईयर्स में कैंसर से निधन हो गया है। इनके निधन पर जितने भी ओलंपिक चैंपियन हैं और जितने भी निशानेबाज हैं सबने शोक व्यक्त किया है, स्पेशली अभिनव बिंद्रा ने। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व एथलेटिक्स ने किसे हाल ही में वैश्विक विकास ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है? तो ये किया है हमारा लॉरेट बॉकलिकेट ने को विश्व एथलेटिक्स ने हाल ही में वैश्विक
विकास या कि ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इस पोस्ट की नियुक्ति के लिए विश्व स्तर पर उपयुक्त अधिकारी की खोज जनवरी 2020 में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए में सबसे ज्यादा गोल करने वाला पुर्तगाली खिलाड़ी बन गया है? तो ये है हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये सीरी ए में सबसे ज्यादा गोल करने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी बन चुके हैं और इन्होंने बोलोग्रा के खिलाफ मैच में पेनल्टी के जरिए गोल करके 43 गोल पूरे करते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एंड्रिया ट्रूर एग्जीबिशन टेनिस टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो ये है ग्रिगोर दिमित्रोव के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण। विश्व के नंबर 19 जो टेनिस खिलाड़ी हैं ग्रिगोर दिमित्रोव, इनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हाल ही में एंड्रिया ट्रूर एग्जीबिशन टेनिस टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में नंबर 1 नोवाक जोकोविच के अलावा रूस के आंद्रे रुबलेव हिस्सा लेने वाले थे। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।